सद्यः एट्वान्स् विमोच्यते गेट्स् फ्रीडम् यत् देट् विच् बिभेति फियर्स् स्वयं पर्सनलि भयं फियर् इट् सेल्फ़् आपन्नसंस्मृतिं घोरां यन्नामाविवशो गृहान्

Purport. Vasudeva or Lord Krishna, the absolute personality of Godhead, is the supreme controller of everything. There is no one in creation who is not afraid of the range of the Almighty. Great asuras like Ramana, Hiranyakashipu, Kamsa, and others, who were very powerful living entities, were all killed by the personality of Godhead. And the Almighty Vasudeva has empowered his name with his, with the power of his. Personal self. Everything is related to Him and everything has its identity in Him. It is stated herein here in, that the name of Krishna is feared even by fear personified. This indicates that the name of Krishna is non different from Krishna. Therefore, the name of Krishna is as powerful as Lord Krishna Himself. There is no difference at all. Anyone, therefore, can take advantage of the holy name of Lord Sri Krishna even in the midst of greatest dangers. The transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstances, can help one obtain freedom from the hurdle of birth and death. Om <laughs> चक्षुरोन्मिलितं येना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्सहगणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचा कलपतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम नीलाचलिवासय पर बलभद्र सुभद्राभ्याय ते नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निदैता गाधरशि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुख करो दिवाचा पंगु लंगा गिरी यम वंदे श्रीगुरो दीनता परमानंदमा श्री चैतन्य हरे कृष्ण सो As the glories of holy name <coughs> is being discussed this whole week because of the World Holy Name Festival. As such, neither I have taste for the Holy Name, nor have any realization of the glories of the Holy Name. Nor even even theoretically also know the I don't know the sufficient what are the glories mentioned just in the Bhagavatam and this. but at the same time i thought it is an opportunity when you have to speak whether the listeners or the audience whether they hear or they get to know something or not at least one person will get benefited of jab jab bhi kuch koi bhi bhagavat kaksha hoti hai तो उसमें हालांकि जो सुन रहे हैं सुनने वाले को फ़ायदा होगा कि नहीं पता नहीं लेकिन एटलीस्ट एक को तो फ़ायदा होगा वो है जो स्पीकर एटलीस्ट क्योंकि वो उनको सुनना ही पड़ता है और उससे पहले थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है तो मेरा भी मोटिवेशन नहीं था, था कि एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा ये हो जाए तो कुछ चीज़ें शेयर करता करना चाहूँगा जो मैं सुना है तो इसमें बताया गया है कि कैसे श्लोका में बताता है कि जो जीव जो है वो इस दुनिया में जो जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है जैसे कि फेर फेर को क्या बोलते हैं जात्रा जात्रा मेला 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 जब मेला आता है तो बड़ा से एक जॉइंट व्हील आता है फेरीज व्हील करके बोलते हैं वो पूरा घूमता रहता है तो ऐसे ही जीव जो है वो पूरा इस दुनिया में अपने कर्म के हिसाब से एक देह से दूसरे देह कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है इसलिए कृष्णा भी बोलते हैं भगवदगीता में आप ब्रह्म भोवन आलो अर्जुन माम प्रेत कौन थे पुनर्जन्म न विद्य तो ये चक्कर में ऊपर नीचे जाते ही रहते हैं और जब मुझे प्राप्त कर लोगे तब ये जो चक्कर काटना जो है वो मुक्त हो जाएगा तो इसलिए इस श्लोक इस इस में बताते बता रहे हैं कि जब इसमें पड़ा हुआ है अगर वो हालांकि बिना अनकॉन्शियसली यानी कि आ, आ, चाहे बिना भी अगर कुछ कोई नाम ले लिया तो भी उसको फायदा होता है तो अगर किसी ने चाहे बिना अगर इतना फायदा हो रहा है अगर कोई चाह के या थोड़ा सा भक्ति से भगवान का नाम ले रहा है तो उसका फायदा और कितना होगा वो बता रहे हैं इधर तो इसमें भी और इसमें आता है कि आ, यन्नामा विवशो गृण विवश में आके ले लिया तथा सद्यो विमोचयता यानी कि ऐसे नहीं कि अगर किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो आ, उसको थोड़ा सा फायदा होगा नहीं सद्यो सद्यो यानी कि एडवांस तुरंत विमोचयता वही जो जन्म और चक्कर के इससे तुरंत उस उसको छुटकारा मिल जाती है क्योंकि जो भगवान है भगवान से जो भाई है वो भी भयभीत तो हो जाता है तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आए जो चाहते थे अमर बनने का हिरण्य हो या रावण हो या और बाकी के फिर भी उन्होंने सोचा कि हम बहुत बुद्धिवान हैं और उसके अपने बुद्धि के हिसाब से उन्होंने बहुत सारा प्लान किया कि कैसे मैं अमर बन सकता हूं लेकिन देखते हैं भगवान उन सब से क्योंकि भगवान ही दे रहे सभी का जो जान जय श्री जगन्नाथ सोद्र महाराणी की श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की श्री श्री कुमान की श्री प्रपाद की कृष्ण भगवत गीता पंद्रह अध्याय पंद्रह श्लोक में बताते हैं कि मैं सभी के हृदय में बैठा हूँ सन्निविष्टो चाम सन्निविष्ट हो मत्त स्मृतिर्ज्ञानपोहनमच मेरे से ज्ञान जो है और भूलने का जो है वो सब मेरे से आता है तो वही ज्ञान दे रहे हैं तो उनको जो ज्ञान है वो भी भगवान से ही आ रहे हैं प्रपद भी लिखते हैं इसमें कि कैसे सभी का स्रोत जो है वो भगवान है अगर उनमें कुछ नहीं है तो वो इस दुनिया में भी, भी हो नहीं सकता जो इस दुनिया में सब कुछ देखने के लिए मिलता है वो सब भगवान में वो गुण है और उनके धाम में है क्योंकि ये जो दुनिया है ये जो भौतिक दुनिया वो आध्यात्मिक दुनिया का जो प्रतिरूप है रिफ्लेक्शन अगर सच में ऑब्जेक्ट में अगर जो निजी वस्तु में नहीं है तो वो प्रतिरूप में कैसे आ सकता है वो आ नहीं सकता है. तो उसका मतलब है कि इधर जो भी देख रहे हैं उसका सच्चे रूप में अस्तित्व भगवत धाम में तो जो वो भाई है देखते हैं कि कैसे रावण भी भयभीत हो गया था जैसे ही उसने सुना कि आठवें गर्भ देवकी का आठवें गर्भ उसको मार डालेगा तो तुरंत उसने उसके दिमाग में घुस गया और पूरा चैन से सो नहीं पाया दिन रात वो वही याद कर रहा था और उसी में ये हो रहा था तो हालांकि वो कितने भी चालू हो या बुद्धिवान हो लेकिन भगवान उन सब से बुद्धिवान है और उन्होंने देखते हैं कि कैसे हिरण्य कश्यपु रावण उन सब को भगवान ने मार डाले या उनका अंत कराया और कृष्ण इतने शक्तिशाली है तो एक श्लोक में आता है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्धो नित्यमुक्त अभिन्नतम नामिन कि ये जो भगवान का नाम जो है वो चिंतामणि के समान है टच स्टोन के जैसा है जो भी हम चाहते हैं वो टच स्टोन क्या करते हैं हमें जो चाहिए वो दे देता है तो ऐसे ही ये नाम भी है जो है वो हम जो चाहते हैं उसको दे देती है दर्साई इट इज सेड दैट कृष्णा विल गिव एनी मटीरियल डिज़ायर्स और फुलफिल एनी मटीरियल एम्बिशंस ऑफ ए पर्सन और कैन गिव एनीथिंग बट ही नॉट गिव हिमसेल्फ भगवान कृष्ण जो है वो अगर किसी भक्त में जब करते करते मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके वो कुछ सोचेगा तो हो जाता है क्योंकि वो जो नाम ले रहे वो चिंतामणी है लेकिन भगवान अपने खुद को नहीं देते क्योंकि खुद को दे दिया तो जैसे कि आ, कृष्णा अर्जुन के सार्थ ही बने तो ऐसे उनके उनके कठपुतली बन जाते भगवान उतना ये है वो अपने भक्तों के इच्छा से वो काम करते खुद को उतने इसमें डाल देते तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह ये इसमें पूरा रस है और नित्य शुद्धो वो हर वक्त वो पूरा शुद्ध है नित्य मुक्त वो किसी से बंधा हुआ नहीं है और अभिन्नतम नामनामिना और जो कृष्ण का कृष्ण और उनके नाम में भिन्नता नहीं है ये दोनों एक ही है प्रोपाज भी दे एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई इस दुनिया में कोको कोकोकोला कोको कोला कोको कोला करके कुछ देर तक बोलता रहा तो उसको प्यास लग जाती है उसको एक्चुअली कोको कोला पीना पड़ता है लेकिन भगवान का नाम जो है या थोड़े देर के बाद वो उससे वो ज्यादा दिन या ज्यादा देर के लिए कुछ कर नहीं सकता है वो ही बिकम्स काइंड ऑफ डिसगस्टेड और वो नॉर्मल बन जाते हैं उसमें कुछ खासियत नहीं रहती है लेकिन कृष्ण जो है नव यौवन चा हर वक्त वो अपने नए नए रूप और रस को ये करेंगे तो भक्त भी जब उनका भगवान का नाम लेंगे तो हालांकि वो वही नाम है उसी नाम को पूरा जिंदगी भर ले रहा है और और ऐसे नहीं बोल रहा है कि वो बहुत हो गया अभी नहीं और उस वो लेने से वो इतना मधुरता है उसमें कि वो बोलता है कि मुझे और चाहिए कि रूप गोस्वामी पाद भी बोलते हैं कि जो ये जो दो लेटर कृष्णा में इतना टेस्ट है या स्वाद है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे लाखों लाखों जीभ होना चाहिए और लाखों कान होना चाहिए ताकि मैं और सुनना चाहता हूँ और जब मैं ये मेरा कान से जाता है और हृदय में नाचता है तो पूरा उल्लास देता है तो हम सुनते हैं ये हाँ कृष्णा इस कृष्ण के इसमें इतना सारा मधुरता है लेकिन हमें जैसे ही हम हमारा हाथ बीडबैक के अंदर जाता है तो तुरंत हमारा मधुरता आँख बंद हो जाता है एटलीस्ट <laughs> मेरे से होता है इसलिए मैं चलता रहता हूँ क्योंकि हमें उसके प्रति अभी तक उसका टेस्ट या आस्वादन हमने नहीं किया अगर कोई किसी ने मधु को चक लिया है तो फिर से उसको एक बार हाथ पे आते ही हाथ में याद करते ही कोई भी आइटम हो वो आइटम याद करते ही तुरंत मुंह में पानी आ जाती है कोई भी आइटम हो किसी को स्वीट हो सकता है किसी को नमकीन हो सकता है कुछ भी आइटम हो या फल हो सकता है वो तब आएगा जब हमें उसका स्वाद पता है अगर उसका स्क्वाद ही नहीं पता है तो तब जाके उसका कुछ पता ही नहीं लगेगा अगर अगर बंगाली को पता होगा मैं बाकी को पूछता हूँ कितने लोगों को पार्टी शब्द पता है उनको छोड़ के <laughs> तो अगर मैं नाम लूंगा तो भी उसका कुछ कैसा है क्या है पता नहीं चलता है लेकिन तुरंत अगर उनको पसंद है तो उनका तुरंत याद आएगा अच्छा ये ऐसा रहता है बहुत सुंदर रहता है टेस्टी रहता है करके तो वही अभी बोलूँगा रसगुल्ला तो सभी को पता है तो उसका अच्छा मन में आ जाता है अच्छा ये ऐसे रहेगा पिछले बार मैं पुणे में, में गया था तो इतना बड़ा वाला मिला था ऐसे कुछ ये आता है तो ऐसे ही हमने जो इसका नाम का अभी तक रुचि नहीं लिया है या हमें उसका ये नहीं मिला है उसके कारण से हम हमें उसमें स्वाद नहीं है इसलिए हम हमें हमें वो नहीं लगता है कि मुझे और आ, नाम लेना है या और ज्यादा उसको आ, और कान चाहिए या जीप चाहिए लेकिन उसके लिए आ, भी मुझे एग्जैक्ट ये पता नहीं है एक बार बारोलीस महाराज ने मैं हु बिकेम पुणे सॉरी जुहू भक्तिव्रत भागवत महाराज हाँ महाराज भक्तिव्रत भागवत स्वामी महाराज पुणे में आए थे तो उन्होंने हरिनाम के ऊपर एक सेशन लिया था उसमें बहुत सारे ये दिखाए प्रपात के कोर्ट से ही कि जैसे कि बहुत सारे इसमें आता है कि अगर हरिनाम हम ले रहे हैं और हमें हरिनाम में रुचि नहीं है तो रुचि पाने के लिए क्या करना पड़ता है क्योंकि हम सब अभी हमें रुचि नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे वो वैधि भक्ति है अगर किसी को रुचि आ गया तो वो का वो स्पॉन्टेनियस नेचुरली आ जाता है हमें इंद्रिय तृप्ति के प्रति राघानुगा भक्ति बोल नहीं सकते का आकर्षण है उसको ये बोलना नहीं चाहिए पड़ता किसी को कि इसके प्रति तो, लाइक इतने इतने बार उसके बारे सोचो और या इंद्रिय लाइक नो सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति आकर्षित हो जाओ करके वो नेचुरली हो जाता है लेकिन वही आकर्षण जो है भगवान के प्रति या भगवान के नाम के प्रति या ग्रंथ पढ़ने के प्रति नहीं है तो इसलिए हमें उसको रेगुलेटेड वे में करना पड़ता है तो उसको वैदिक साधना भक्ति बोलते हैं तो प्रोपाधि बोलते हैं एट डिफरेंट प्लेस टे साधना भक्ति देन इवेंचुअली अगर हम नाम का जब करते रहेंगे वो करते 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 वही नाम हमें टेस्ट देगा और दूसरे जगह पे अगर अः प्रपद बोलते हैं कि अगर नाम लेते वक्त अगर अपराध होते आ, दस अपराध है पद्म पुराण में भी ये आ, उसका उल्लेख आता है क्या है दस अपराध हम हर दिन ये करते हैं तो उस दस अपराध जो है हम अगर उसको अवॉइड करेंगे यानी कि उसको उसको जागरूक तरीके से उसको पालन करेंगे तब ये रुचि और जल्दी से आ जाएगा और अपराध हो रहा है हमें हमें पता नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो चैतन्य चाम में ये आता है एक जगह पे कि जब जब हम चैतन्य महाप्रभु और प्रभु का नाम लेते हैं तो सभी अपराध मुक्त हो जाते हैं फिर भी ऐसे नहीं कि लाइक अप्रपात बोलते थे जैसे कि संडे को चर्च में जाके कन्फेस करो फिर से जाके कुछ हफ्ता पूरा कुछ जो नहीं करना है वो करके फिर से जाके कन्फेस करो वैसे नहीं होना चाहिए कि अगर अपराध हो रहा है तो हम जब लेते हैं तो उसका भगवान उसको क्या कहते हैं माफ करते हैं लेकिन फिर से हमें नहीं करना चाहिए तो इधर बताता है कि इस परपट में प्रपत बोलते हैं कि कि कृष्ण सभी से शक्तिशाली है और कृष्ण और नाम में अंतर नहीं है अभिन्नतम नाम नामिना तो ऐसे ही कृष्ण के जो हरि नाम है या कृष्ण का नाम जो है उसमें भी उतना शक्ति है इसलिए चेतन महापुर भी बोले ना नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रित स्मरण न काला भगवान आपने इसमें हरि नाम या आपके नाम पे इतना सारा आ, शक्ति डाला है आप आप में जितना शक्ति है, वही शक्ति क्योंकि कृष्णा और वो अलग नहीं है क्योंकि हम इस दुनिया में सब कुछ अलग देखते हैं नाम और ये इससे तो प्रपदा भी एग्जाम्पल देते थे इस दुनिया में किसी कोई पेरेंट अपने बच्चे को देते हैं पद्मलोचन हालांकि उस वो अंधा है बचपन से लेकिन उनको नाम देते हैं पद्मलोचन लेकिन क्योंकि अंतर रहता है वो जो एक्चुअल लेकिन भगवत धाम में वैसे नहीं है भगवत धाम में भगवान का नाम किसी का नाम भी हो वो उससे रिलेटेड है जैसे कि आ, यमदूत का असिस्टेंट कौन है चित्रगुप्ता हाँ चित्रगुप्ता का मतलब है कि वो गुप्त तरीके से चित्र लेता रहता है सभी का वो चित्रगुप्ता है ताकि अगर कोई बोलेगा कि मैंने ये नहीं किया है तो बोलेगा नहीं देखो इसका एविडेंस है इधर <laughs> पूरा हर एक्शन का हर सोच का सब कुछ का वो ये रखते हैं तो ऐसा रह, ऐसा है तो कृष्ण और उनके नाम में अभिनत्व है तो जो कृष्ण दे सकता है वही जो कृष्ण का नाम है दे हमें भी दे सक दे सकती है तो लेकिन हमें हम जब उसको आदर तरीके से हम उसको अपना लेंगे एन ओ आई में भी शिला रूप गोस्वामी बात बोलते हैं कि हमें अभी हमारे अंदर जो बीमारी है जो वॉट इज जॉन्डिस जब जॉन्डिस हो जाती है तो शक्कर शुगर केन जो शुगर केन का रस दे दिया तो भी हमें लगता है कि वो उसमें टेस्ट नहीं है लेकिन उसके लिए जो मेडिसिन जो है वो वही है उसको पीते रहेंगे तो धीरे 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 करके वो चला जाता है जो बीमारी है तो ऐसे ही हमें अभी भौतिक इंद्र तृप्ति का बीमारी है तो हम जब भगवान का नाम लेते रहेंगे तो वो नाम लेते 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 वही अभी तो कुछ टेस्ट नहीं आ रहे है। अब हमें हम अब बोलेंगे कि कब ख़त्म हो जाएगा ये सोलामाला और ये एक बार हो गया तो ठीक है रख देते हैं तो धीरे धीरे करके ठीक है एक माला और एक कर लेता हूँ एक माला और एक माला और एक माला और करके वो उसमें रुचि आ जाती है वही देखते हैं कि बहुत सारे प्रोपर डिसाइपल्स को देखते हैं कि हालांकि उनका जो बचपन से या शुरू में उनको भगवान के प्रति या हरिनाम कुछ पता नहीं था वो सब बहुत कुछ लोग हिप्पी थे और कुछ लोग आनंद ढूंढ रहे थे फिर भी उनको जब प्रोपाद ने हरिनाम दिया और उन्होंने आदरपूर्वक उसको जब लिया अब देखते हैं कि वो कुछ भक्त कुछ भी कर रहे हैं उनका जो जीव है हरिनाम लेता रहता है या कुछ महाराजों को देखते हैं उनका हाथ हरदम भीड़ भै के अंदर रहता है कुछ बात कर रहे तो ठीक है अगर कुछ नहीं है तो हरे कृष्ण मंत्र चलते रहते कैसे हो गया वो वही आदरपूर्वक लेते 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 एक प्रोपत के डिसेबल है वो इधर भी आए हैं भक्तरूप्रभु उनको भी देखा हूँ बहुत बार और बहुत ही नम्र है हालांकि तो आके वो बात कर रहे हैं यार बात बात करते करते कुछ ये नहीं हुआ बात रुक गया तो तुरंत उनका जीप देखा हूँ दो तीन बार ऑब्जर्व किया है हरे कृष्ण मंत्र जब करता रहता है और जब इधर प्रभुजी ने प्रसाद ली देन uh, uh, मैंने पूछा कि प्रभु आई टेक द प्लेट तुम प्लेट लेता हूँ बोले लाइक नो दिस इज दिस इज माई फादर्स हाउस वाई शुड आई गिव एल्स बोले कि ये मेरे पिताजी का घर है तो मैं दूसरों को क्यों दू तो दैट्स हाउ ही आइडेंटिफाइज तो जस्ट कहने का मतलब था कि कैसे वो हालांकि उनको रुचि नहीं है फिर भी रुचि कैसे आ सकती है कि वो जब करने से ही और जब हम ये दस नामा अपराधों का अवॉइड करेंगे और एक बार इधर भी पढ़ रहे थे कि नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम जो सचिन स्वामी महाराज का पुस्तक है उसमें महाराज हर एक अपराध को लेके लिखते हैं अपराध वो क्या है अपराध और वो कैसे हो सकती है उससे कैसे छुटकारा पाने का सोल्यूशन भी देते हैं हर एक का तो बहुत सारे इसमें मैं देख रहा था कि महाराज दिखते हैं कि अगर फेथ नहीं है या कुछ अपराध हो रहे है, तो मेजॉरिटी ऑफ द अपराध महाराज की सोल्यूशन दैट यू एसोसिएट विद डिवोटीज हु आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग और हु हैव टेस्ट तो हमें जो भक्त जिनके जिनमें जो नाम के प्रति टेस्ट है या जो जिनका जो श्रद्धा है वो बहुत दृढ़ है उनसे अगर हम उनका सेवा करेंगे और उनके नज़दीक रहेंगे उनको देखते देखते उनका सेवा करके उनसे सुन के हमारा भी अंदर श्रद्धा श्रद्धा आ जाती है और हमारे अंदर भी रुचि आ जाती है अगर आप में से किसी ने देखा होगा कि अगर आप कोई कृष्णानंदपुर के साथ कुछ दिन के लिए रहें या कुछ सेवा कर रहे हैं तो बिना आप चाहे या ना चाहे भी आपका जब का जो संख्या है वो बढ़ जाएगा वो पूछते कितना हो गया अच्छा सोलह हो गया ना हाँ प्रोजी ठीक है अभी बैठ के जब चाल चार माला करो और हो गया तो बोलते हैं कि प्रोजी मैं आपके लिए पसाद हाँ जब कितना हो गया जब हो गया कि नहीं पच्चीस करना है आज अब करो तो ऐसे हमें वो टेस्ट नहीं है या करने का इच्छा भी नहीं है लेकिन उनको जो टेस्ट है उनके साथ रह के हमें मिलता है तो इसलिए उधर बोलते हैं कि जिनको स्वाद है उनके उनको सेवा करो और उनसे उनके नजदीक में रह के हमें वो स्वाद मिल सकता है और ये जो नाम का जो गुण है उसके बारे में एक बार आ, एक आदमी सुबह का कार्य के लिए जा रहा था बाहर और उसका प्रॉब्लम यह था कि वो कभी अपने जीप को हरिनाम लेने से रोक नहीं पा रहा था कंटिन्यूसली उसका नाम हरे कृष्ण मंत्र ले रहा लेकिन आ रहा था उसके मुंह पे तो उसको लग रहा था अरे अभी मैं पेशाब करने के लिए जा रहा हूँ तो वो सही जगह नहीं है जिधर हरिनाम ले हरिनाम शुद्ध है तो मैं उधर कैसे ले सकता हूँ मुझे रोकना चाहिए उसको तो वो और रोक नहीं पा रहा था और जीप अपने आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, 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 राम हरे हरे देखिए हमारा और उनका उतना कितना उल्टा है हम चाहते हैं अगर कभी ऐसा हो जाए कभी इस जीवन में और उनको हो रहा है और वो बोल रहे कि मुझे ये करना है और तब जाके वो कोशिश कर रहे थे जीप को पकड़ने का और जीप पकड़ रहे थे ऐसे आ रहा था तब एक छोटा सा बालक आया उधर और उनको देख के क्या कर रहे हैं वो बोले कि मैं अभी इसके लिए सुबह के कार्य के लिए जा रहा हूँ तो और वो सही जगह नहीं है तो मुझे लग रहा है कि मुझे जब नहीं करना है फिर भी मैं रोक नहीं पा रहा हूँ तो ये छोटा सा बालक बोलते हैं कि अगर सोचिए कि अगर आप वो कार्य करते करते आपको मृत्यु आ गया तो कृष्ण बोलते हैं अंत काले चमां में बस मरण मुक्त और आप क्या सोचते हैं और जो मरण के समय जो याद करते हैं और क्या स्थिति है उसके हिसाब से होता है और जीवन का अंतिम यह है लक्ष्य है कि हम भगवान का नाम लें और कभी भी कुछ भी हो सकता है तो आप नाम लेते रहिए और उन्होंने बोला कि जैसे कि अभी सूरज है कोई भी जाके जमीन के ऊपर पेशाब या कुछ मल भी करेगा और सूरज उसको खींच लेती है और पूरा उस जगह को शुद्धिकरण कर देती है शुद्ध कर देती है तो वो खींचने से सूरज जो है वो कलमश नहीं होता है तो ऐसे ही भगवान पूर्ण शुद्ध है उसके कारण उनको कुछ भी कलमश छू नहीं सकती है तो आप चिंता बिना चिंता का आप जप करो और जब चैतन्य महाप्रु ये उनको सुनने में आया तो उनका नाम था गोपाल और उनको गोपाल गुरु गोस्वामी करके नाम दिया और हमारे आ, संप्रदाय में वो एक बड़े से आचार्य बने तो यही है आ, हरिनाम का महिमा और हम जब आ, इस हरिनाम को बिना अपराध से लेते हैं तो हमें भी ये प्राप्त हो सकती है और आदिलीला में तीसरे अध्याय सेवेंटी नाइन्थ वर्ष में आता है कि हरि का नाम का कितना महिमा है उसमें वो अलग अलग इसमें आता है और उसमें एक प्रभात कोट करते हैं गो ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञा युतम सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर्न सम शताशि बोलते हैं गो, गो ग्रहणे खगस्य जब ग्रहण का दिन रहता है उस दिन अगर कोई भी जाके कोटि गाय को दान में दे देता है उससे कितना फल मिलेगा और प्रयाग गंगोदक कल्पवास अगर कोई जाके प्रयाग में गंगा के उदक जो होता है उधर जाके जो तीनों ये मिल जाता है गंगा यमुना सरस्वती तो प्रयाग उधर जाके कल्पवास कल्प यानी कल्प कि ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि 100 चतुर्युग और एक युग में फोर्टी थ्री लाख साल है उतना रहेगा उससे जो पुण्य प्राप्ति होगा यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दार अगर कोई यज्ञ करता है और उसमें दान में मेरु पर्वत के जैसे उतना स्वर्ण यानी कि सोने का दान दे देता है उससे कितना फल प्राप्ति होती है ये सब का मूल्य कितना है करके चौथे लाइन में बताते बताते हैं गोविंद का कीर्तिर न समम शतांश यानी कि गोविंद का एक नाम लेने से उसका जो शतांश सो बाघ में से एक बाघ है एक बाग ले, ले लिया जाए उतना सा भी उसका वैल्यू नहीं है यानी कि उतना इसमें इसका शक्ति है अगर कोई बोल देता है बोलिए गोविंदा, अभी अभी सोचिए जब तिरुपति जाते सभी बोलतेंडला वेंकट रमणा गोविंदा गोविंद अगर कोई हो एक बार गोविंदा बोल दिया तो उसको इतना पुण्य प्राप्ति होगी लेकिन हमें पता नहीं चल रहे हम कितना ये प्राप्त कर रहे हैं और सभी को भले बात ही पता है कि अजामिल भी हालांकि उसका मृत्यु आ गई थी और यमलोक यम यमदूत आके उनको लेके जाने वाले थे तो उसने नारायण करके बोल दिया तो तुरंत विष्णुदूत आ गए उनको लेने के लिए एक ड्योटी ऐसे ही मजाक में बोल रहे थे कि देखो अजामिल ने नारायण चार लेटर का नाम लिया तो चार विष्णुदूत आगे और आप हरे कृष्ण मंत्रा सोलह अक्षर का जप कर रहे तो सोलह विष्णुदूत आ जाएंगे <laughs> जब चाहिए तब तो ऐसे ये है हरिनाम के महिमा और अगर हम जब जब करते हैं तो हालांकि हमें पता हो या ना हो जब आ, सही समय में हमें मदद चाहिए वो भगवान याद दिला देते हैं एक बार हम उसको ले लिया तो हम चाहे तो भी भगवान नहीं छोड़ेंगे हमें अगर एक बार हम बोल देंगे भगवान मुझे आपके पास आना है परसों ही पढ़ रहे थे कि कैसे भगवान हमसे ज़्यादा इच्छा करते हमें वापस भगवत धाम लेके जाने के लिए तो उसके लिए हम भूलना चाहते हैं तो भी वो याद दिलाते रहेंगे तो आ, आ, एक ड्यूटी बोल रहे थे कि आ, एक भक्त टेंपल में जॉइन हो गए निगड़ी में और लेकिन उनके परिवार के जो लोग थे वो उतना संतुष्ट नहीं थे उससे वो चाहते थे वो वापस आ जाए उन्होंने बुलाया तो आया नहीं तो एक बार जबरदस्त उसको घर लेके गए और घर लेके जाके घर में उसको बंदी बना दिया और उसका बैग सब कुछ छीन लिया और उसको डॉक्टर के पास लेके गए साइकेट्रिस्ट के पास और बोले कि इसको जो दवाई दे दो जिससे वो पूरा भूल जाए सेडेटिव्स सेडेटिव्स यानी नहीं कि उनका मन कंट्रोल में नहीं रहता है तो जो साइकेट्रिस्ट बोले कि हाँ दे सकता हूँ लेकिन उसका है ये भी हो सकता है कि ये जो है सब्जी के जैसे वेजिटेबल like कुछ ही मे नॉट बी एबल टू थिंक ऑन हिम सेल्फ वो सोच नहीं पाएगा या कुछ पता नहीं चलेगा अभी खड़ा है खाना हो गया क्या अभी अभी खाया है और सोचने ऐसा हो जाता है कि मन ठीक से ये नहीं करेगा पेरेंट्स बोले कुछ भी हो जाए घर में सब्जी के जैसे पड़े रहे हम देख लेंगे उसको दे दो तो ठीक है डॉक्टर ने दे दिया और इसको पूरा याददाश्त चला गया कुछ याद नहीं है <laughs> और घर में रहा दिन ऐसे ही चलते गए चलते गए और वो बिका क्योंकि वो उसको याद नहीं है वो जब भी नहीं कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है बहुत दिन हो गए एक दिन अचानक वो कुछ तो आ, कर रहा था कर घर में और सामान कुछ तो निकाल रहा था तुरंत उसको उसका जो बीड बैग था उसको फेंके नहीं थे उन्होंने गलती से उसको कहीं छुपा के रख दिया था वो बीड बैग मिल गया तो बीड बैग निकालते तो देखा तो उसको थोड़ा कुछ तो याद आने लगा और कुछ समय में जैसे ही वो देखा तो उसको माला देखा तो हरे कृष्ण मंत्र याद आ गया सब कुछ भूल गया वो उसको कुछ याद नहीं पुराना हरे कृष्ण मंत्र याद आ गया ठीक है जपने लगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जप करने लगा करने लगा करने लगा धीरे धीरे से एक एक याद आने लगा अच्छा मैं मंदिर में था मैं ब्रह्मचारी था अच्छा ये कर रहा था ये सेवा कर रहा था वो कर रहा था अच्छा मुझे लेके आए थे तो एक 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 करके याद आ गया और कुछ दिन के बाद फिर से वो मंदिर चला गया और बाद में पेरेंट्स आए तो वो पता नहीं एग्जैक्ट लेकिन वो मंदिर में कंटिन्यू किया लेकिन वापस आने के बाद वो बोल रहा था कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भलाई के लिए करते हैं हालांकि जब ये हुआ तो तुरंत बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि अरे इसने जब किया है तो कैसे ऐसे हो सकता है उसको और अभी एक तरफ से देखा तो मुझे भी लगता है अरे मैं भगवान का नाम ले रहा था और भगवान का सेवा कर रहा था तो ऐसे कैसे हो सकते हैं लेकिन अभी मैं एक तरफ से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये अच्छा ही हुआ क्योंकि पहले मैं बचपन में बचपन से क्रिकेट इतना खेलता था और इतना शौक था कि अगर आप मुझे किसी भी मैं इतना एक्सपर्ट हो गया था कि एनसाक्लोपीडिया जैसे अब बोलो इस इस साल में इस टूर्नामेंट ने इसने कितना मारा था और इसने कितना हंड्रेड मारा है पचास मारा है और कोई भी क्रिकेट चल रहा है तो मेरा मन पूरा हालांकि कुछ बार देख देखना नहीं है, अच्छा नहीं है तो देख नहीं रहा था लेकिन फिर भी मन उधर ही रहता कितना स्कोर हुआ गा? अच्छा अभी उसने अगर कोई बोल रहा है कमेंट्री दे रहा है तो मेरे मन में पूरा आ जाता था अच्छा अभी बैट ऐसे पकड़ा है ऐसे मार रहा है और ऐसे स्वीप किया है वो सब पूरा पिक्चर आ रहा था ऐसा था मेरा ये अभी जो ये इसने डॉक्टर ने ये इंजेक्शन दे दिया तो सब कुछ याद रहा याद है मुझे लेकिन जो पुराना जो ये क्रिकेट का जो था या सॉन्ग्स जो भी वो कुछ याद नहीं है तो ये भगवान का कृपा है मेरे ऊपर तो ऐसे ही हम अगर नाम लेते हैं तो जब चाहिए तब भगवान उसको हमारे इसके लिए दे देते हैं तो और पाँच मिनट में कुछ आ, आ, चैतन्य चरतामृत में से देखेंगे चैतन्य चरतामृत के सातवें अध्याय के सेवेंटी थर्ड वर्ष सेवन सेवेंटी थ्री आदि लीला कृष्ण मंत्र होते संसार मोचन कृष्ण नाम रचरण तो ये चेतन महाप्रु और प्रकाशानंद सरस्वती उनका उल्लेख आ रहे इसमें उसमें आ रहे हैं लॉर्ड चेतन इन फाइव क्योंकि उन्होंने वो चाहते वो बोलते कि अरे आप तो सन्यासी हो आप क्यों नहीं शास्त्र और ये सब नहीं पढ़ रहे तो बोलते कि मेरे गुरु ने कहा कि, कि तुम तो मूर्ख हो तुम्हें ये सब पता नहीं है सिर्फ हरि नाम लो सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा वन कैन ऑप्टेन फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस इन डी इट सिंपली बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण मंत्र वन विल बी एबल टू सी द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड सिर्फ भगवान का ये नाम लेने से हरे मंत्र से भगवान का चरण देख सकते हैं मैं सिर्फ श्लोक आ जाता हूं नाम विनु काले ना ही आरा धर्मा सर्व मंत्र सारा नाम आई शास्त्र मर्मा इन दिस एज ऑफ कली देयर इज नो रिलीजियस प्रिंसिपल अदर देन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम विच इज द एसेंस ऑफ ऑल वेदिक हिम्स दिस इज अ पर्पट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स जो ना पिछले युग में यानी कि सत्ययुग में तपस्या से त्रेता युग में यज्ञ से द्वापर युग में विग्रह अर्चन से वही लाभ अभी कलयुग में सिर्फ हरि का नाम लेने से होता है और सभी ऐसे नहीं कि एक शास्त्र में बोला है कि सभी जो आचार्य लोग आए हैं वो सब यही बोलते हैं कि हरि का नाम लो हरि का नाम लो और कुछ नहीं करना है ना

श्लोक बताते वक्त जो प्रपा जी के डिसाइपल हैं जो वृंदाकुंड में रहते हैं दीनबंधु प्रभु वो बोलते हैं कि देखिए इसमें सिर्फ हरी का नाम के बारे में इतना सा स्ट्रेस दिया है हरेर नामा हरेर नामा हरेर नामा तीन बार बोल रहे हैं यानी कि वो जो इंपॉर्टेंट है उसको बोला जाता है कि बार बार बोलते हैं तो तीन बार नाम एवा सिर्फ ओनली केवल हम और कुछ नहीं यानी कि इसको ही ले लो और कलो न अस्ति ना अस्ति ना अस्ति और कुछ कलयुग में और कुछ नहीं है गतिर अन्यता इसके अलावा और कुछ नहीं है तीन तीन छः और दो आठ और ये एक नौ बार उसी को बोला जा रहा है कि हरि का नाम ही लो हरि का नाम ही लो और कुछ मत करो ए ईयज्ञ पाए नामा लय अनक्षणा नाम लएते लएते मोरा ब्रंता होइला मना सिंस आई रिसीव दिस ऑर्डर फ्रॉम माय स्पिरिचुअल मास्टर आई ऑलवेज चैंट द होली नेम बट आई थॉट दैट बाय चैंटिंग एंड चैंटिंग द होली नेम आई हैव बीन बिबिल्ड धरिया धरिते नारी हाइलमा उन्मता हासी कांदी नाची गाए एचे मदमत्ता

अगर एंड रिजल्ट इस ये नहीं आ रहा है तो कुछ गलती है हम हम जो कर रहे हैं उसमें जैसे कि आप सबको ये जो स्टोरी पता है बीरबल का खिचड़ी तो बीरबल की खिचड़ी में जब बीरबल अकबर आ, आ जाता है बीरबल को देखने के लिए इतना बुलाने के बाद भी नहीं आ रहा है तो अकबर देखता है बीरबल ने इधर छूला है और उसको उन्हें पे मटका रखा है और उस पर दाल चावल सब कुछ डाल के खिचड़ी पका रहा है और इधर फूक रहा है फू फू करके तो अकबर के पुछते है क्या कर रहे हो नहीं खिचड़ी बना रहे हो अरे खिचड़ी बना रहे हो तो लाइक पहले उसको उसके ऊपर जो बर्तन रखो और दाल वो किधर है नहीं उधर रखा है ना ऑलरेडी तो बोलता है कि अरे पागल हो तुम इसको इसके ऊपर रखना चाहिए आग के ऊपर उधर रख के कैसे हो सकता है तो बीरबल बोलता है कि वही मैं सोच रहा हूं अगर वो जो ब्राह्मण पानी के अंदर है कि उतने दूर के आपके क्या कहते हैं पैलेस के ऊपर का जो दीप से वो उष्ण ले सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है तो ऐसे ही इसमें देख सकते हैं अगर कुछ कर रहे हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए तो उसका जो प्रोसीजर है फॉलो करना चाहिए प्रोसीजर फॉलो किया तो आना ही चाहिए अगर ये नहीं हो है तो हम हम कुछ गलत हो रहा है वो हमें देखना चाहिए क्या हो रहा है

हासाया नाचाय मोरे करय क्रंदन गुरु हासी हास बोलीचन आफ्टर हिरींग द स्पिचुअल मास्टर स्पोक व्हाट डिड कृष्ण स्पीक् महामंत्रेरा महामंत्रेरातस्व भाव एजप तार कृष्णे उपाजाये भाव इट इज द नेचर ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र दैट एनीवन हु चैंट्स इट इमीडिएटली डेवलप्स हिज लविंग एक्सटेसी फॉर कृष्णा कृष्णा विषय का प्रेमा परमा पुरुषार्थ यार चारि पुरुषार्थ इस दुनिया में जो भी अब अगर आपने ऑब्जर्व किया है कहीं भी आप पूजा कराइए या कोई भी यज्ञ कीजिए तो बोलते हैं चतुर्विधा फल पुरुषार्थ अभ्यर्थम देखना आपको मिल जाए यानी कि धर्मार्थ मोक्ष और करते वक्त भी बोलते हैं ये चार पाने के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं लेकिन ये सब को तृण के प्रति यानी कि इस सब को ज़्यादा मानते नहीं क्योंकि वो अगर किसी को गरम गरम तवे के ऊपर से जो माखन लगाया हुआ हुआ बटर मिल गया बटर रोटी मिल मिल रहा है तो क्यों दो दिन पुराना सूखा रोटी खाने का मन करेगा या उसके प्रति वो देखेगा भी नहीं अगर किसी को जो बटर हलवा खा के उसका टेस्ट लग गया है तो कुछ बार हलवा तेल से बनाते हैं तो कितना भी दे दो वो देख के नहीं चाहिए वो उसको कुछ उसका ये ही नहीं लगता ऐसे ही अगर किसी को इसके इसमें टेस्ट लग गया तो वो दूसरे के प्रति वो सब मोक्ष वो सब देखता नहीं है और पंचम पुरुषार्थ प्रेमा नंदा अमृता सिंधु मोक्षा दिया आन यारा एक्चुअली डेवलप्ड भावा द प्लेजर डीव फ्रॉम धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष लाइक ड्रॉप इन द प्रेजेंस ऑफ द सी लेकिन व्हाट द कृष्ण नाम गिवस कृष्ण नाम प्रेम सर्व शास्त्रे कया भाग्य से प्रेम तो मया कर उदया The conclusion of all revealed scripture is that one should awaken his dormant love of Godhead. You are greatly fortunate that you have done so. Prima rasa bhavakare chitta tanukshobha Krishna racharanapratye upajaya lobha. It's the characteristic of love of Godhead that by nature it induces a transcendental symptoms in one's body and makes one more and more greed. टच यू द शेल्टर ऑफ द लोटस वीट ऑफ कृष्णा दिस इज़ वाट जो भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो ये हरि नाम दे सकती है लेकिन हमारे जो अंदर जो बीमारी है उसके कारण से हम उसको आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम उसको पाने का वो रोग निकालने का कैसा है हरि नाम को लेते 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 वही हमें ये देगा जस्ट आखिरी में एक मिनट लेके Uh... ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट वर्ष है सिर्फ इसका ये पढ़ता हूँ श्री चैतन्य महाप्रो एज अम पर्सन ए गॉड हेड हिमसेल्फ इज फुल्ली इंडिपेंडेंट देर फॉर ऑल दो इट इज़ द मोस्ट कॉन्फिडेंशियली स्टोर्ड बेनिडिक्शन ही कैन डिस्ट्रीब्यूट लव ऑफ गॉड टू एनी वन एंड एवरी वन विदाउट कंसिड्रेशन चेतन मापरो कृष्ण प्रेम सभी को बिना कुछ उनका ये देख के, दे सकते हैं वेदर इज ऑफेंसिव और इनऑफेंसिव एन इवन नाउंड श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदर कोई श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद करके बोलेगा तो उसको प्रेम मिल जाता है नित्यानंद बोलते हो या कृष्ण प्रेमोदयावलाया సకల అంగ ఆశ్రు గంగ ఉదయ సింప్లీ బై టేకింగ్ టాకింగ్ ఆఫ్ ప్రభు వన్ అవేకన్స్ ఇస్ లవ్ ఫర్ కృష్ణ దస్ ఆల్ హిస్ బాడీ లిమ్స్ అండ్ ఆర్ ఎజుటేటెడ్ బై ఎక్స్టెసి అండ్ టియర్స్ ఫ్లో ఫ్రమ్ హిస్ ఐస్ లైక్ ద వాటర్ ఆఫ్ గంగా కృష్ణనామ కరే అపరాధ విచారృష్ణ బోలి అపరాధీర నాయ వికారేర్ ఫోర్

एक कृष्ण नामे करे सर्व पापा नाशा प्रेमेरा कारण भक्ति करे ना प्रकाश सिंप्लीफाई चैंटिंग द हरे कृष्ण मंत्र विदाउट ऑफेंसेस वैंक्विशेस ऑल सिंपल एक्टिविटीज और वो भगवत प्रेम दे देती है तो आगे और है इन शॉर्ट व्हेन वी जब हम हरे कृष्ण मंत्र लेते हैं और जो नित्यानंद प्रभु और चेतन महाप्रभु को याद करते हैं तो हाँ, सभी जो ये ऑफेंसेस है अपराध है वो उससे छुटकारा पा सकते हैं और इसलिए इशरत प्रपात भी जब पाश्चात्य देश में गए तो नित्यांतर का मर्सी देख के उन्हें उन्होंने गौर गौरित का इंस्टॉलेशन किया नहीं तो पहले गौर गदादर डीटीज रहते थे घोड़ियों में इस पर तो हम भी उनका नाम लेके हम भी जो प्रपात भी पाश्चात्य देश गए ये हरिनाम के प्रति हरिनाम उनका जो श्रद्धा था कि अगर कोई इसका हरिनाम ले लिया तो उसका हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा और वो भक्तिमय कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ेगा तो उनका वो श्रद्धा से हो गए और हम देखते हैं कि वो कैसे इतने कम समय में इतने सारे लोगों को भगवत भक्ति में आकर्षित किए और सच में वो जो इसमें आनंद है उसको प्राप्त किया क्योंकि आनंदाम बुद्धिवर्धन तो हम भी प्रार्थना करेंगे कि कैसे न कैसे हम भी करते रहेंगे करते रहेंगे एटलीस्ट हमें अभी उसका टेस्ट नहीं मिला है लेकिन एटलीस्ट हमने देखा है कि कुछ लोग पाया है उनको देख के हम करते रहेंगे तो एक दिन शायद भगवान चाहे तो हमें भी वही दे सकते हैं अभी प्रार्थना कीजिए कि बोलना आसान है कि लेकिन करना मुश्किल है तो अच्छे से हम भी प्रैक्टिस करें बहुत बहुत धन्यवाद ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की शील आदि की